दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप यहां पर भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जियो ने क्यों बढ़ाई प्राइम मेंबरशिप की तारीख। रिलायंस जियो ने पिछले साल सितंबर में टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा। जियो के लॉन्च होते ही बाजार में एक भूचाल सा आ गया। जियो ने लॉन्चिंग के साथ फ्री सेवाएं भी देनी शुरू कर दी, जिसमें 4GB डाटा, वॉइस कॉलिंग, मैसेज और रोमिंग सब कुछ फ्री था। और देखते ही देखते फरवरी 2017 तक जियो के पास 10 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हो गए। नए साल में जियो ने हैप्पी न्यू ईयर की घोषणा करते हुए एक बार फिर से 31 मार्च 2017 तक सब कुछ फ्री कर दिया। इसके बाद फरवरी में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने जियो प्राइम मेंबरशिप की घोषणा की। आइए जानते हैं क्या है जियो प्राइम। जियो प्राइम मेंबरशिप कंपनी का एक ऐसा प्लान है जिसके तहत 99 रुपये की रिचार्ज पर एक साल के लिए मेंबरशिप दी जा रही है। मेंबरशिप का फायदा होगा कि इन ग्राहकों को नॉन प्राइम मेंबर के मुकाबले ज़्यादा ऑफर और डाटा दिया जाएगा। प्राइम मेंबरशिप की आखिरी तारीख 31 मार्च 2017 तक थी। इसके बाद इसके डेट को बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दिया गया। अब प्रश्न यह है कि क्यों बढ़ी जियो प्राइम मेंबरशिप की तारीख। किसी को भी इस बात का भनक नहीं थी कि रिलायंस जियो प्राइम मेंबरशिप की तारीख को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अंतिम समय में कंपनी ने तारीख बढ़ाने की घोषणा करके इसका कारण था कि 31 मार्च 2017 को प्राइम मेंबरशिप के लिए यूजर्स की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, जिसके कारण सर्वर डाउन हो जाने की वजह से जियो प्राइम मेंबरशिप की तारीख को 31 मार्च 2017 से बढ़ाकर 15 अप्रैल 2017 तक कर दिया गया। ग्राहकों की संख्या, जैसा कि कंपनी ने फरवरी में बताया था कि उसके पास 10 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हैं। उसके बाद 31 मार्च से 3 दिन पहले मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि 10 करोड़ में से 5 करोड़ ग्राहकों ने जियो की मेंबरशिप ले ली है। 31 मार्च को यह आंकड़ा पूरी तरह से बदल गया। कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा कि एक महीने में 7.2 करोड़ ग्राहकों ने प्राइम सर्विस ली है। यहाँ कंपनी के पास बचे ग्राहकों को भी अपना बनाने का मौका था, जिसके कारण प्राइम मेंबरशिप की तारीख 15 दिन बढ़ा दी गई। किसी भी कंपनी के लिए इससे बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता। 8 महीने फ्री सर्विस लेने के बाद उसके 72% ग्राहक पेड सर्विस के लिए तैयार हैं। यह दुनिया का अब तक का फ्री सर्विस से पेड सर्विस में जाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी है, क्योंकि आमतौर पर यूजर्स फ्री का मजा लेते हैं और पेड शुरू होने के बाद भाग जाते हैं, जैसा कि पहले भी हो चुका है। कई कंपनियों ने फ्री सर्विस दी लेकिन ग्राहक जुटाने में नाकाम रही। देश में कम समय में सबसे ज़्यादा ग्राहक जोड़ने का रिकॉर्ड, यह भारत के टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जियो ने बहुत ही कम समय में सबसे ज़्यादा ग्राहक जुड़ा लिए हैं। अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 7 जुलाई 1995 में एयरटेल भारत में आया और 22 साल में उसके पास 26 करोड़ यूजर्स हैं, जबकि सिर्फ 8 महीने में जियो के पास 10 करोड़ से भी ज़्यादा ग्राहक हो गए हैं। अब जियो के पास 10 करोड़ को हमेशा के लिए अपना बनाने का मौका है, जिसे जियो कभी गंवाना नहीं चाहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।